हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एज़ यू नो, आई एम योर टीचर भारती पाठक। पहले मैंने तुम्हें सेंटेंस के बारे में बताया था, आज मैं तुम्हें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मतलब हम सेंटेंस को टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है अपना सब्जेक्ट, सेकेंड है अपना प्रेडिकेट। अब देखो, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट, मतलब कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग जिसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, वो हो गया सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट क्या होता है? वॉट इज सेड अबाउट द पर्सन और थिंग, मतलब उस पर्सन और थिंग के बारे में क्या बोला जा रहा है, वो हो गया प्रेडिकेट। अब देखो, मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ तुम्हें। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे क्या है, आई तो हो गया अपना सब्जेक्ट, एम गोइंग टू स्कूल हो गया प्रेडिकेट। अब देखो, तुम्हें याद रखने वाली जो बातें हैं वो मैं बता देती हूँ। जो अपना सब्जेक्ट है वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन से स्टार्ट होता है ना, मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। अब तुम पूछोगे, मैम नाउन क्या होता है? तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, मतलब नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम है ना, किसी भी इंसान का नाम, किसी चीज का नाम, किसी थिंग का नाम है ना, और उसके अलावा किसी जगह का नाम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है, प्रेडिकेट है ना, वो हमेशा कोई ना कोई वर्ब ही होगा, मतलब या तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। जो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज, आर, एम है ना, सेल, विल, ये सब है ना। उसके अलावा जैसे कोई वर्ब, अब वर्ब क्या होता है? क्रिया। क्रिया मतलब कोई भी काम जो हम कर रहे हैं है ना, वो सब क्रिया होता है, जैसे कि रन, ईट है ना, ये सब, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल बता देती हूँ जिससे तुम्हें ये अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, हीना हैज़ ए डॉल, हीना के पास एक डॉल है। तो यहाँ पे अपना हीना जो किसी का नेम है वो तो क्या हो गया, सब्जेक्ट, और हैज़ ए डॉल क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब सेकंड सेंटेंस है अपना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो द सन क्या हो गया अपना, सब्जेक्ट, राइजेज इन द ईस्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट। अनु इज ईटिंग बनानास, तो अनु किसी का नेम है तो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज ईटिंग बनानास क्या हो गया, प्रेडिकेट। समझ आया ना? ओके, आई होप तुम सबको समझ आया होगा। स्टे होम एंड कीप लर्निंग। टेक केयर। टाटा। बाय बाय।